नहीं, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे ये करें, क्योंकि इसके अंदर बस वैसा टाइम से नहीं है, मजदूरी कम है, और पहला नंबर तो इसके अंदर पढ़ाई लिखाई नहीं है, सारा अनपढ़ 99% इंसान इसके अंदर अनपढ़ है। इसका लाकड़ा भी इनलिए वर्क है, जिसको हम तराशते हैं और इसका रूप देते हैं। हमने बचपन से ही करा है, हमारे पापा ने, हमारे भाइयों ने, हमें बचपन से करा, हमने ही बचपन से ही करा है। 5-6 साल की उम्र से ही बैठ जाते हैं और उसको ही सीखते रहते हैं, ऐसे कि पढ़ने बैठता है बच्चा, उसी को देखते हुए हम पढ़ते हैं बस इस पढ़ाई को। तब आन के हम 20-22-25 साल के होकर तब ये हम कारीगर बन पाते हैं। महीने में ऐसी करीबन 12-14 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, 12-14 हज़ार में अपना अल्लाह गुजारा कर देता है। इसी जयपुर मंडी है इसकी मेन, वही जयपुर से ही इनको स्टोन को सारों को लिया जाता है, बाकी ये स्टोन तो सारे विदेशी हैं। ये समझिए कि हमारा 1,000 का काम बाहर करीबन जो 20,000, 30,000, 50,000 समथिंग ऐसा बेचते हैं। डायरेक्ट ग्राहक नहीं आ सकता है, क्योंकि हम उस लेवल पर नहीं है, हम सिर्फ मजदूरी तत्पर ही रह गया जो उसके अंदर लगोगे। 40 साल के बाद इस उम्र में कोई नहीं करता है, सारे रिटायर हो जाते हैं। कंपनी इनले वर्क जो है उसको कहते हैं पच्चे कारीगर का। आर्टिस्ट इसलिए कम होते जा रहे हैं कि इसकी कदर नहीं लोग जानते। हर आदमी, आज का कंप्यूटर का जमाना है, आदमी ये नहीं सोचता मशीनी रोक है, इसमें सारा काम हाथ से होता है। एक एक टेबल बनाने में आदमी को महीनों लग जाते हैं, जितना मटेरियल नहीं होता उससे ज़्यादा उसकी मेहनत होती है। मटेरियल तो कॉस्टली लगता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी मेहनत। एक टेबल होता है 6 महीने में तैयार की, और उसको टेबल को तैयार करने में उसके जो है, मतलब आप समझ लीजिए कि 6 महीने लगे, 6 महीने की उसकी लेबर कितनी हो गई, 180 दिन हो गए। 180 दिन में मान लीजिए 20 का जो है मटेरियल लगा 20,000 का, और लेबर हो गई उसकी 40,000 खुद की हो गई। अगर उसकी ट्रेविंग जो अगर 80,000 की नहीं बिकी तो उसे क्या मिलेगा। ये काम को आगे हम बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी हमारी सीखे वही काम जो विलुप्त होता जा रहा है।